ऋषि पाराशर जी ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है इसको कि जो लॉर्ड की दशा हमें लगती है उसका प्लेसमेंट लग्नेश और लग्न दोनों से देखना बहुत जरूरी है। क्यों देखना बहुत जरूरी है? अगर सपोज की दशा जिस ग्रह की दशा हमें लगी है और वो लग्न से बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, मतलब केंद्र त्रिकोण प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण को हम लोग शुभ मानते हैं ना, और अगर हमारा लग्नेश जो है लग्नेश से दशा लॉर्ड 6, 8, 12 प्लेस्ड है तो क्या होता है? तब ऐसी स्थिति बनती है। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे कि वही एक नेटिव है, वो अपने करियर में बहुत सक्सेस पा रहा है, एक हाइट पे है एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब ये तो बहुत विपरीत स्थिति हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि करियर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन और करियर में वो सक्सेस भी पा रहा है, एक हाइट पे है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वाह, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना चाहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस ग्रह की उसे दशा लगी है उसके लग्न उसकी बुद्धि से वो अच्छी तरह से प्लेस है, लेकिन उसके शरीर से लग्नेश से वो 6, 8, 12 प्लेस्ड है, मतलब कि अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है। तो कितना डिफरेंस आ जाता है देखिए। और इसी को हम अगर वाइस वर्सा देखें, दशा लॉर्ड जो है अगर लग्न से 6, 8, 12 है सपोज और लग्नेश से अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तब क्या होगा? उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। उल्टा रिजल्ट, फिर एक और विपरीत स्थिति। देखो कैसे हम देखते हैं ना, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो बुरा काम करते हैं, बुरे चीजों में फंसे हैं, लेकिन फिर भी खुश है और उनको वो सब करके अच्छा लग रहा है, उनको कोई गिल्ट ही नहीं है कि अरे यार मैं बुरा काम कर रहा हूँ, बुरी चीजों में फंसा हूँ। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो लग्न से, उसका जो ग्रह दशा चल रही है लग्न से, तो वो 6, 8, 12 मतलब वो बुरे काम कर रहे हैं और लग्नेश से वो अच्छा प्लेस्ड है, तो लग्नेश को तो अच्छा लग ही रहा है, भाई मैं बुरा काम करूं मैं फिर भी अच्छा लग रहा है, तो खुश। जिसको जो बोलना है बोले मैं खुश हूँ। सही बात, देखना बहुत जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है ना, हम अगर समाज में नजर डालें तो ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। सही बात है। अच्छा, आपकी ये सब बातें सुन के ना मुझे और एक सवाल आ रहा है मन में। अच्छा। कि जैसे मान लीजिए कि हमें लग गई शनि की दशा, है ना, अभी शनि की दशा तो लगती है 19 साल की, तो मेरा सवाल ये है कि क्या शनि की दशा लगती है तो डर तो लगता है कि यार कुछ दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, तो क्या ये 19 साल पूरे ऐसे ही जाते हैं क्या? सबसे पहले तो ये कि शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि की दशा लग गई तो गए काम से भाई, ऐसा तो हमें सोचना चाहिए। देखो सब ग्रह अपने अपने तरीके से रिजल्ट्स देते हैं और अपने अपने तरीके से सिखाते हैं हमें, तो एवरीवन इज गुड। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि आपने कहा 19 साल अगर शनि महादेव की दशा लग गई तो क्या वो एक जैसे जाएंगे? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करूं तेजल जी, क्या आपने कल जो दिन बिताया उस दिन में 24 घंटे में अगर हम 12 घंटा भी लेते हैं तो क्या एक सारा 12 घंटा वो आपका सेम था? बिल्कुल नहीं, जैसा था बिल्कुल नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपकी 19 साल की पीरियड एक जैसे रहेगी? इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। क्या है, जब हमें शनि की महादशा लगी, तो जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि 5 टाइप की दशा होती है, तो शनि की दशा सब में लगती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, पांचों में शनि की दशा लगी है। फिर जैसा मैंने कहा कि सूक्ष्म दशा सबसे छोटी दशा है, 2-3 दिन की दशा, सबसे पहले वहाँ चेंज आएगा। शनि के बाद कौन सा साइकिल, तेजल जी ने एक्सप्लेन किया था हमें अभी, बुध। बुध तो बुध, हाँ, शनि के बाद बुध आएंगे, ठीक है, इस तरह से वो कर्म चलता है। उसके बाद जब सूक्ष्म दशा चेंज होने लगी, फिर साइकिल चेंज आएगा प्राण दशा का, फिर आएगा प्रत्यंतर दशा,
फिर अंतर दशा, लेकिन महादशा कभी भी चेंज नहीं होती। महादशा अगर शनि की है तो 19 साल तक वो शनि महादेव वहां बैठ गए। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, देखो बिल्कुल बताइए। कुछ प्रॉमिसेस हम लेके आते हैं ना चार्ट में। अब जैसे शनि महाराज की अगर लगी है दशा, तो वो ग्रह जहाँ आपके चार्ट में प्लेस्ड है वो कुछ प्रॉमिसेस लेके आया है। तो उस समय जब उसकी दशा पीरियड लगती है तो उसे एनर्जी मिल जाती है, वो परिस्थितियां बनाने लग जाता है उस नेटिव की जिंदगी में कि उसको वो फलित कैसे करे। इट बिकम मतलब वो एक एनर्जाइज हो जाता है, वो ग्रह एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, अब उसको अगर हम लोग ले महादशा को एक ग्राउंड समझे, ये एक ग्राउंड है महादशा, इज अ ग्राउंड। ठीक है, अब आते हैं अंतरदशा। अंतरदशा को समझे कि वो एक बैट्समैन है। अभी तो बैट्समैन ग्राउंड के बाहर ही था, देख रहा था सिर्फ। अब उसकी दशा लग गई, अब दशा लग गई तो क्या होगा, वो पीच पे आएगा और खेलेगा। अगर उसके संबंध पीच में पीच के साथ अच्छे नहीं है, वो नहीं जानता ग्राउंड के बारे में पीच के बारे में, तो क्या वो अच्छा खेल सकेगा बैट्समैन? बिल्कुल। तो क्या होगा, उसके संबंध अच्छे नहीं हुए तो वो खेल नहीं पाएगा अच्छी तरह से। और वही अगर वो ग्राउंड और बीच को और एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से पहचानता होगा तो वो गेम अच्छी तरह से खेल पाएगा। मतलब अगर उसके संबंध अच्छे हुए, केंद्र त्रिकोण हुए, तो वो समझ पाएगा कि उसे कैसे खेलना है। ठीक है, तो मतलब अच्छी तरह से चलेगी गाड़ी। अच्छा, अब अगर हम लोग ये समझे, अब अंतरदशा से आ जाते हैं प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा एक बॉलर है और अंतर दशा जो है वो एक बैट्समैन है। अब बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और अंतर दशा वाले बैट्समैन को, लॉर्ड को ये पता ही नहीं कि वो कैसा बॉल फेंकेगा, स्पिन फेंकेगा, वाइड फेंकेगा, क्या फेंकेगा पता ही नहीं, उसे कुछ पता नहीं। तो क्या होगा, बैट्समैन का विकेट डाउन। क्योंकि उसके संबंध अच्छे नहीं है, इसीलिए वो 6-8-12 है या शत्रु संबंधित है। और अगर उसके संबंध अच्छे हुए, यानी मतलब उसे पता है, ही इज दैट इंटेलिजेंट वो बैट्समैन, कि बॉलर अभी बॉलिंग ऐसा करने वाला है और मुझे पता है कि ऐसा बॉलिंग करेगा तो ऐसे बैटिंग करेंगे, तो वो उसने बैटिंग करी और वो हो गया सिक्सर बाउंड्री के बाहर। तो इससे क्या होता है कि उसे समझ है, मतलब उसके संबंध अच्छे हैं। इन जिस्ट ग्राउंड बैट्समैन एंड बॉलर, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, इनके बीच, इनके लॉर्ड के बीच अगर संबंध अच्छे हैं, केंद्र त्रिकोण है, तब तो बॉल बाउंड्री से बाहर, और नहीं तो अगर अच्छे नहीं है तो विकेट डाउन। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे शनि की महादशा लगी, हाँ, तो सब कुछ जैसे आपने बताया पहले तो सभी जगह शनिदेव है, पर 2-2.5 साल के बाद अंतरदशा चेंज होती है ना? और वो अंतरदशा के लॉर्ड और महादशा के लॉर्ड के बीच अगर अच्छे संबंध है तो जो दुख का समय बीत रहा था उसमें हमें थोड़ा सुकून का समय मिल जाएगा।